क्या कारण साहब जो सिचुएशन है बन रही है इस वक्त, आपको लगता है किसी किस्म की इमरजेंसी का माहौल बन रहा है? देखिए, मैं तो केस पे कमेंट नहीं कर सकता और ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई साहब की बात के वो ट्रस्ट की जमीन उन्होंने जाती मलकियत बना दी, वो ट्रस्टी के नाम है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई मलिक रियाज साहब की, उसका क्या ताल्लुक है, मुझे इसका मालूम नहीं है। आज अदालत में जो कार्रवाई हुई है अदालत के हाथे में, लगता है कि इमरान खान की जमानत हो सकती है और ये जो सारा ड्रामा हुआ ये इमरान खान खूब पॉलिटिकली कैश करेंगे, अगर ना भी हुई जमानत तब भी कैश करेंगे। जो आज मैंने सोशल मीडिया पे रिजवान साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए था, आज सारा तोपों का रुख जो है वो फौज की तरफ था। मैं फिर कहूँगा तहरीक इंसाफ वालों को कि वो जो जंग लड़ नहीं सकते उस जंग में न कूदें, और बेहतर था कि ये मामले को इससे एहतियात बढ़ती जाती। लेकिन अब द वॉर इज इन टू द ओपन, अब लाइनें खिंच गई हैं, सब बंदियां हो गई हैं, आज की इतलात कोई अच्छी नहीं है और जो कॉल्स दी गई हैं वो तो सियासी मुखालफीन के खिलाफ नहीं दी गई हैं, रियासत के इदारों के अफसरों के खिलाफ कॉल्स दी गई हैं और ये मामला मैच लेवल पे चला गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जो रहा छोटा मोटा टूटा फूटा सिविलियन निज़ाम होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, आप एमरजेंसी की बात कर रही, कुछ और सब कुछ हो सकता है। तो इम्तियाज़ आलम साहब, बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी लग सकती है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, आपके ख्याल में? देखिए, ये जो इमरान खान की हड्डी है वो अब गले में फंसी हुई है, न निकली जाती है न उगली जाती है। ऊपर से इमरान खान ने पिछले एक साल में बहुत मैसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की है, मैसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, किसी और पार्टी मैदान में थी ही नहीं। बयानियाँ बिका है तो उनका बिका है, दूसरा बयानिया तो आया नहीं। आज क्या बयानियाँ होगा कि हमने इमरान खान को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया, अच्छा किया, मिठाइयाँ खाते हैं। तो मिठाइयाँ खाने वाला तो मुतबादल मंदिर नहीं होता। हमने देखा है जब पीएनए वालों ने भुट्टो साहब की फांसी पे खाई थी और ये जो नून लीगी आज फिरते हैं इन्होंने मिठाइयाँ खूब बांटी और खाई थी। हमने ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उनके मुखालिफिन ने केक काटे थे। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायतें नहीं है, ये जो इमरान खान के दौर में हुआ खुद अब जो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो केसेस हैं करप्शन के या दूसरे, इसमें इमरान खान ने साल तो पेश ही नहीं हुए ना, और फिर दूसरा उनके लोगों ने बड़ी मजाहमत की वहाँ पे वान पार्क। तो मुझे लगता है कि ये अब लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगी, इमरान खान के खिलाफ होंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाए।